जी आप क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ जो नरकी जीवन जीने को मजबूर हो रहे हैं आप लोग? हमारे को बहुत गंदगी में रहनी पड़ती है, बहुत शर्मिंदा उठानी पड़ती है, ना कोई सुधार होती है, ना कभी कोई बनाने वाला आता है, ना कभी कोई देखने वाला आता है। यहाँ आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं और प्लस यहाँ पे पार्षद भी हैं। हाँ जी, सबको ही है, लेकिन तो कोई कभी नहीं आता देखने, न बनवाने, न देखने, न कुछ करने। इन लोगों ने भी जी बहुत बेशर्मी पार कर दी है, हमारे विधायक जी पार्षद जी क्या कर रहे हैं। हमारे से हाथ जोड़ते थे, ऐसे हमारे से कहते थे कि हम ही को देना बोर्ड, और हमने दिया, और हमने अपने आस पड़ोस मोहल्ले को भी सबको दिलवाया, झाड़ू को बोर्ड समझाया, लेकिन उन्होंने हमसे ये भी कहा था कि ये कूड़ा हम गली सबसे पहले बनेगी आपकी, और ये गली सबसे पहले बनेगी, लेकिन हमारी गली में लेकिन वो झांकने श्री जय भगवान उपकार जी, और मुझे अच्छी तरह जानते भी होंगे वो। देखिए, ये आम लोगों का दर्द है, जो कह रहे हैं बड़ी उम्मीदों के साथ आम आदमी पार्टी को वहाँ वोट दिया था, और उन्होंने वादा भी किया था कि आप हमें अगर वोट देते हैं तो हम आपके हर दुख सुख में खड़े रहेंगे, आपकी गलियों को सही करेंगे, मगर आज ये कंडीशन आप खुद सुनिए कि क्या है इनका दर्द। खाली वोट दे लेते हम आ जाते हैं, बाद में कोई कुछ नहीं करते, देख रहे हैं तो कितना गली का बुरा हाल है, कोई कुछ जाने चलने का रास्ता नहीं है यहाँ गलियों में, खाली सब बात वोट टाइम आ जाएंगे, पूरा गली हमारे गली पूरा और पानी भरा हुआ, चला दिखा दो, जोड़ेंगे पैर जोड़ेंगे, हम लोग तो पैसा लगा लगा गली ऊंची करे, पहले तरह पानी चलते थे, सी भर का पानी आके पूरा गली भर जाता है, तो आपने 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 वोट जो है दिया था आम आदमी पार्टी झाड़ू को, बिल्कुल बिल्कुल, दोबारा आपके पास आएंगे तो क्या कहेंगे आप उनके पास? चेचे मैंने आ जाते, नाली निकालने भी नहीं आते, कोई पूरा आए खाई ऊपर बस पन्नी निकाल देंगे, सारे कुचरा उसे छोड़ देते हैं, बहुत बुरा हाल है यहाँ की गलियों में, बहुत बुरा हाल है, बिल्कुल कहीं निकलने की जगह नहीं है। ये देखे, ये है दिल्ली की हकीकत, जो कहीं न कहीं एक वादे करके यहाँ पे भोली भाली जनता से वोट लिया आम आदमी पार्टी के पार्षद विधायक ने, और मगर जमीनी हकीकत आप देखिए कुछ और है, और जनता भी इतना ज्यादा गुस्सा है कि वो कहीं न कहीं अपने दर्द को बयां कर रहे हैं अपने शब्दों में।